गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बाघ हूँ बराई से। समय यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, या हो सकता है मुझे ही ठंड लग रही है, इसलिए मैंने जैकेट पहन ली है। मुझे ठंडा महसूस हुआ। आप सामने देखेंगे बहुत खूबसूरत चंद्रमा, कुछ चांदनी रात है आज। हमारे दोनों तरफ का गेहूँ आज कंबाइन से काट लिया गया है। कल मैं आपको दिखाऊँगा पूरे खेत खाली होंगे। इस चंद्रमा की लाइट में हमारा बाग कैंप बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाग होम देखिए, ये हमारा बाग होम है। इस वक्त लाइट आ रही है, काफ़ी लाइट है इस समय अच्छी। अभी हम लोगों का खाना रेडी हो रहा है। खाना खाने के बाद हम एक छोटी सी राइड पर चलेंगे। पास ही यहाँ पर हमारे है एक बराई देवी मंदिर, वो बिल्कुल जंगल के किनारे है। वहाँ पर टाइगर का काफ़ी मूवमेंट रहता है, टाइगर डियर वगैरह, तो एक चक्कर हम लोग मार करके आएंगे रात में ये नाइट ड्राइव का। देखने में क्या मिलता है, ड्राइव कैसी रहती है, रात को वहाँ का क्या माहौल होता है। दिन में तो मैं कई बार गया हूँ, लेकिन रात में नहीं गया हूँ। देखता हूँ वहाँ पर कोई रुकते हैं लोग कि नहीं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। खाना वाना हो गया हमारा, अब हम निकल रहे हैं छोटी सी राइड पर। लाइट चली गई है, लेकिन चंद्रमा की लाइट काफ़ी अच्छी है आज। और ये हमारा इन्वर्टर बल्ब जल रहा है गेट के ऊपर, देखिए इसकी वजह से लाइट है। और यह चांदनी रात है तो लाइट काफ़ी अच्छी है। अब हम लोग चलते हैं एक छोटी सी राइड। हमारी राइड अभी स्टार्ट होती है। बाघ होम से निकल लिए हैं हम लोग। सन्नाटा है बिल्कुल। ये रास्ता जाता है जंगल को। जंगल के किनारे ही स्थित है बराही देवी मंदिर। आपको सामने ये 200 मीटर के बाद रास्ता बंद है। बगल में फार्म है काफ़ी बड़ा, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स का काफ़ी मूवमेंट रहता है। रात को इधर कोई नहीं आता है। मंदिर पे शायद पहले एक महात्मा जी रुका करते थे, लेकिन अभी तो वहाँ पर सन्नाटा ही लग रहा है मुझे। कोई लाइट किसी तरीके की नहीं दिख रही है। रात में चक्कर मार के आते हैं, दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं बराही देवी मंदिर के कैंपस में। बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ बिल्कुल जंगल का किनारा है ये, तो शायद हम लोग गाड़ी से नहीं उतरेंगे, क्योंकि इसके अंदर टाइगर का काफ़ी मूवमेंट रहता है। हम गाड़ी से ही आपको दिखाएंगे। देखिए आप सामने देख रहे हैं बराही देवी का मंदिर। इस तरफ आप देखेंगे ये है जंगल सामने, ये देखिए ये जंगल है। तो यहाँ पे पैदल रात को उतरना ठीक नहीं है। मैं यहीं से गाड़ी घुमा लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा अश्विन भी है। ये पूरी टाइगर टेरिटरी है, कोई भी इंसान नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पर। हम वापस होते हैं, एक दूसरे स्पॉट पे चलेंगे, वहाँ पर भी टाइगर का काफ़ी मूवमेंट रहता है। देख रहे हैं इसमें एक साइड में है जंगल बना, और दूसरी साइड में खेत है जिसमें गेहूँ लगा हुआ है। चांदनी रात है इसलिए विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये आगे जाके जंगल पे जाके ख़त्म हो जाता है। हमारे सामने पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल, बराही रेंज। बस ये रास्ता जंगल तक ही जाता है, वहाँ से हमें गाड़ी वापस मोड़नी पड़ेगी। हम थोड़ी देर रुकेंगे वहाँ पे, जंगल का मूवमेंट देखेंगे, जंगल की गतिविधि पे नज़र रखेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। अगर किसी के तरीके की कॉल वगैरह होती है तो आगे सोचा जाएगा, वरना हम वापस आ जाएंगे। वापस होते हैं। हर जंगल में जानवरों की तो घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ जो है गांव में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जिनको गांव वाले मानते हैं। हम कॉमन भाषा में से भूत प्रेत की घटनाएं भी कह सकते हैं। इसलिए ये नई जगह है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता हूँ इंटीरियर्स में, क्योंकि कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं यहाँ की भी, वो मैं आप आगे अपनी वीडियोज़ में बताऊँगा। मैं अपने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, घर वापसी की ओर चलते हैं।
नमस्कार।